हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एजे मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर दोस्तों मैंने पीछे पढ़ाया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉफिशियंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन। ऐसा और दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। जो भी लोग नए हैं पिछली वीडियो को भी जरूर देखें, उसको देखेंगे दोस्तों तो आपको जो है शुरू की चीज़ें, स्टार्टिंग कहते हैं ना, बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग की चीज़ें आती रहेंगी, आपको बेसिक आता रहेगा तो जो है सब एकदम आसानी से समझ जाएंगे। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम मोनोनामियल का सब्ट्रैक्शन देखते हैं, फिर एक बाईनामियल का मैं आपको बता दूंगा, फिर ट्राईनामियल सभी का जो है बता दूंगा कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन। मैं क्वेश्चन मान लीजिए लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है 7x, ठीक है? एक मोनोनोमियल है, अब मैं सेकंड मोनोनोमियल लिख दे रहा हूँ 4x, ठीक है? मोनोनोमियल का मतलब जानते हैं दोस्तों कि एक टर्म, ठीक है? ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है दोस्तों, आप वो सब देखे रहेंगे, आपको आता रहेगा तो जो है आप बहुत आसानी से इसको समझेंगे। मोनोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म। अब देखिए इसमें प्लस माइनस नहीं आया, प्लस माइनस आ जाएगा फिर उसके बाद कुछ और लिखा रहेगा तो प्लस माइनस से ही अलग हो जाता है। तो पहला टर्म फिर प्लस या माइनस के बाद जो रहेगा वो दूसरा टर्म हो जाएगा, इसमें वैसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक टर्म है, यानी मोनोनोमियल है, ये भी मोनोनोमियल है। अब सबट्रैक्ट करना है 7x-4x, ठीक है? इक्वल टू जानते हैं दोस्तों कि हमेशा जो है लाइक टर्म ही सबट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं। इसमें जो है एक्स है वेरिएबल, इसमें भी एक्स ही है, तो दोनों लाइक टर्म है तो लाइक टर्म ही ऐड या सबट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 7x में से 4x सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों? अब इसका मैंने दो मेथड बताया था एडिशन का, उसी तरह सबट्रैक्शन का भी दो मेथड रहेगा। ये जानते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड है, वर्टिकल मेथड, वर्टिकल। इसमें दो मेथड आता है, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। तो वर्टिकल मेथड में जो है हम बचपन से जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते थे ऐसे लिखेंगे इसको, 7x फिर नीचे उसके 4x। अब ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x। देखिए दोनों मेथड से आया आंसर सेम, तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, बाईनामियल ट्राईनामियल सबको ऐसे जो है सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है? तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4x²-3y। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 3x²+4y, ठीक है दोस्तों? अब देखिए इसका सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको। हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो 4x²-3y, इसको वह पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर सेकेंड टर्म को हम लिख लेते हैं, ठीक है? अभी देखिए दोस्तों दो टर्म वाला, पहला टर्म फिर प्लस के बाद जो है वो दूसरा टर्म है, तो इसको बाइनामियल बोलते हैं जिसमें दो टर्म होता है। तो हम बाइनामियल का सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4x²-3y, अब देखिए जानते हैं दोस्तों कि जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो जो बाहर साइन होता है उसका अंदर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो माइनस का यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो -3x², अब फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो -4y। अब यहाँ पे देखिए 4x², चलिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, सबको साथ लाइक टर्म को एक साथ लिख देता हूँ, 4x²-3x², अब -3y-4y। अब लाइक टर्म एक साथ हो गया तो 4x²-3x², x² बचेगा दोस्तों, 1x² बचेगा, हम 1 को कभी लिखते नहीं है, ठीक है? 1 नहीं लिखते हैं, बस x² लिख दिए माइनस। अब देखिए अब जानते हैं दोस्तों सेम साइन हमेशा ऐड होता है, माइनस और माइनस दोनों जगह सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3y+3y और 4y ऐड हो जाएंगे तो 7y हो जाएगा। अब जानते हैं कि अब इसके आगे यहाँ पे माइनस रहेगा कि प्लस, उसके लिए हम देखते हैं कौन सा ग्रेटर है, 4y ग्रेटर है उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है? अब इसको चाहे तो मैं दूसरे मेथड से भी इसको बता देता हूँ, वर्टिकल मेथड से भी बता देता हूँ, वर्टिकल मेथड, ठीक है? वर्टिकल मेथड से भी आपको लगा के दिखा देता हूँ, 4x²-3y, अब यहाँ पे देखिए
3x² +4y। अब देखिए सब्ट्रैक्शन आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रा कह सकते हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन जब भी होता है तो जो है हमेशा साइन चेंज हो जाता है सबका। नीचे जो है उसमें जितने भी टर्म है सबका साइन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलजेब्रा का जो है सब्ट्रैक्शन में ये रूल होता है कि हमेशा नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो बस अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें इस साइन से अब कोई मतलब नहीं, हमें इस साइन को देखना है। 4x², यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, तो सब्ट्रैक्ट होगा x² बचेगा। अब यहाँ पे भी देखिए -3y -4y, अब प्लस को हमें नहीं देखना है, -4y सेम साइन हो गया तो -7y। देखिए दोस्तों हमारा सेम आ गया। तो बस ऐसे ही दोस्तों आपको बस ध्यान से देखते रहना, आप पढ़ते रहिए आपको सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे, बस आप अंत तक देखते रहिए। चलिए अब हम और बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल लेते हैं या फिर उससे भी बड़ा लेते हैं टर्म, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, चलो दोस्तों इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर इसी इधर ही अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब दोस्तों मैं एक ही मेथड से लगा देता हूँ, ठीक है। जानते हैं कि दोनों मेथड से आप समझ गए हैं, दोनों मेथड से उसको सॉल्व करके देखेंगे हमेशा आंसर सेम आएगा। तो मैं एक ही मेथड से जल्दी जल्दी बताता हूँ। एक क्वेश्चन दिया है 4xy +6yz -2xz +6yz -2xz, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम लिखा है, -9xz +2xy -7yz -9xz +2xy -7yz +2xy -7yz, यही दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए फ्रॉम आया, एक नया चीज आया। अब फ्रॉम का मतलब होता है से दोस्तों, ठीक है, से। तो यानी जो दूसरा दिया उसमें से हमें पहले वाले को सब्ट्रैक करना है। जहां पे भी फ्रॉम आया दोस्तों ये सब्ट्रैक है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा रहेगा सब्ट्रैक, फिर ऐसे दिया रहेगा हमें क्वेश्चन की एक टर्म में ये पूरा दिया रहेगा, एक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक पॉलिनोमियल ऐसे दिया रहेगा, और फिर फ्रॉम लिखा रहेगा, फिर दूसरा पॉलिनोमियल। तो जब फ्रॉम आ जाता है तो यानी सेकेंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक करना है, ठीक है दोस्तों। फ्रॉम आ जाता है तो उसका ये मतलब होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इसको लिखेंगे 9xz +2xy -7xy माइनस। अब देखिए पहले हम सेकेंड वाला लिख लिए, फिर माइनस, फिर फर्स्ट वाला 4xy +6yz -2xz, ठीक है। ध्यान से आप देखते रहिए यहाँ पे इसको, तो ऐसे ही क्योंकि जानते हैं दोस्तों जब जहाँ पे कोई साइन नहीं होता बाहर तो प्लस होता है, प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई तो प्लस ही, फिर प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई तो माइनस। यानी कुल मिलाकर दोस्तों जब बाहर प्लस है तो अंदर सब वही साइन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो 9xz +2xy -7xy। अब देखते हैं हमारा जब माइनस आ जाता है तो जो माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो सबका साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई तो -4xy। अब देखिए माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई फिर -6yz, फिर देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई तो +2xz। ये देखिए हमेशा दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिए कि जो है लाइक टर्म को ही आइडिया सब्ट्रैक कर सकते हैं, यानी xz को xz में से ही आइडिया सब्ट्रैक कर सकते हैं। तो हम एक साथ लिख लेते हैं लाइक टर्म को, तो 9xz +2xz। फिर अब देखिए प्लस यहाँ पे 2xy है, 2xy है तो फिर xy वाला इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पे साथ में है ही, तो 7xy इसके साथ लिख लिए।
अब देखिए हमारा कुछ मिस्टेक हुआ, 3 बार एक्स वाई आ गया, देखते हैं कहाँ पे गलत हुआ है। ये देखिए यहाँ पे गलत हुआ दोस्तों, 7y दे दो, मैंने 7xy लिख दिया, ठीक है। देखिए 9xz प्लस 2xy माइनस 7yz, यहाँ पे आप 7yz कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहीं पे हमारा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 7 की जगह पे yz है। अब देखिए अब 2xy, तो हमें xy के साथ xy वाला लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पे -4xy, ठीक है, उसके साइन के साथ ही उसको लिखेंगे। अब बचा हमारा वाई जेड वाला, बचा वाई जेड वाला तो -7yz, और उसके साथ यहाँ पे वाई जेड वाला है माइनस, वाई जेड के आगे देखिए 6yz के आगे माइनस है, तो -6yz। बस दोस्तों अब इसको देखिए माइनस और प्लस अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 9 -2 7xz। अब देखिए जानते हैं दोस्तों इसके आगे क्या साइन होगा, उसके लिए हम देखते हैं कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, इसके आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन रहेगा। अब उसी तरह इसको भी देखिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अपोजिट साइन फिर सब्ट्रैक्ट होगा 2xy, फिर दोस्तों ये 4xy ग्रेटर है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस। फिर देखिए यहाँ पे -7xz है, -7yz है, फिर -6yz, दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, 7 6 13, 13yz। अब देखिए वही दोस्तों, 7yz ग्रेटर है, तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस, ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। -7xz -2xy -13yz, सब माइनस में ही आ गया। इसको चलिए हम जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए -4xy, फिर माइनस, फिर +2xz, तो 9xz +2xz, फिर 2xy -4xy, फिर -7yz -6yz, सही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बस ऐड या एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। अब अलजेब्रा में क्या होता है कि दोस्तों इसमें वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, यानी हमारा लेटर आ जाता है, XYZ A to Z लेटर आ जाता है, यही अलजेब्रा। बाकी जैसे हम इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है दोस्तों। अब आप चाहते हैं तो मैं इसको वर्टिकल मेथड से भी बता देता हूँ, ठीक है, वर्टिकल मेथड से भी बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को, अब देखिए हमें सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम सेकेंड को लिखेंगे -9yz -9xz है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान देना, इसी की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता है तो। 2xy -7yz देखिए हो गया। अब फिर हमारा सेकेंड है 4xy। अब यहाँ पे देखिए हमें लाइक टर्म में से ही लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो xz के नीचे हम xz वाला ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2xz लिखेंगे, -2xz है तो इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाला लिखेंगे, 4xy है +4xy है, ठीक है। पहले हमें जैसे क्वेश्चन दिया दोस्तों वैसे ही लिख लेंगे, फिर yz जो है प्लस में है, 6yz है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे ही लिख लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट का रूल होता है कि जो नीचे वाले का सबका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, फिर यहाँ पे भी प्लस का माइनस, सबका साइन चेंज हो गया। अब देखिए माइनस और प्लस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, 7y 7xz, ठीक है, 7xz 9xz ग्रेटर है, ये माइनस में है, तो हमारा यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब देखिए प्लस और माइनस फिर अपोजिट साइन है दोस्तों, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 -2 2xy, फिर यहाँ पे दोस्तों ग्रेटर वाला माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस। अब देखिए माइनस और माइनस सेम साइन है, तो ऐड हो जाएगा, 7 6 13yz, यहाँ पे देखिए 7 ग्रेटर है तो ये माइनस, ठीक है। अब आंसर देख लीजिए, -7xz -2xy -13yz, हमारा आंसर दोनों सही है, ठीक है। ये वर्टिकल मेथड हो गया दोस्तों, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड है। तो इसी तरह दोस्तों बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है।
बस आप पढ़ते रहिए, आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों मेथड से आंसर आ गया है। अब यहाँ पे बस सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाला जितना भी है, पूरे पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म है, सभी टर्म का जो है साइन चेंज हो जाता है। अभी जो हमें पहले साइन दिया था उससे कोई मतलब नहीं है, जो बाद में हमारा साइन चेंज हो गया अब उससे हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और कोई क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, आपको समझने में मुश्किल हो तो उसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ दोस्तों। इसको आप लिख चुके होंगे, नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फ्रॉम वाला एक और मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर फ्रॉम लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर फ्रॉम है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तीन टर्म दिया है, इधर दो ही टर्म दिया है, प्लस सिक्स एक्स वाई हो गया। अब देखिए बस यही हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक ही मेथड से सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। तो देखिए हमें फ्रॉम आ गया, फिर फ्रॉम आ गया तो सेकेंड में से फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो हम पहले सेकेंड लिख लेते हैं। चलिए हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करते हैं, सेकेंड मेथड लिख लेते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे माइनस फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए टू एक्स स्क्वायर, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो तुरंत हम इसके साथ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, अब माइनस थ्री वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस, तो ठीक है वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स वाई। अब दूसरे वाले पॉलीनोमियल में हमारा सिक्स एक्स वाई नहीं दिया है, ठीक है, तो इस एक्स वाई का टर्म नहीं दिया तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, एक एक को एक टर्म बोलते हैं, एक एक टर्म है टू एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है थ्री वाई स्क्वायर, इसमें देखिए तीन टर्म है, अब पूरे को मिला के जो है पॉलीनोमियल इसको बोलते हैं कि ये एक पॉलीनोमियल है। ठीक है, अब इसमें दो टर्म है, पहला एक्स स्क्वायर दूसरा टर्म है वाई स्क्वायर, इसको भी बोलेंगे पॉलीनोमियल, पूरे को पॉलीनोमियल बोलते हैं और एक एक को टर्म बोलते हैं कि ये टर्म है इसका। देखिए टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस और प्लस अपोजिट साइन है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए अब माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब हो गया दोस्तों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया दोस्तों यहाँ पे टू वाई स्क्वायर, अब देखिए जो ग्रेटर हो माइनस में है तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस सिक्स एक्स वाई। ठीक है, देखिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिक्स एक्स वाई का कोई और टर्म है ही नहीं एक्स वाई वाला, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, बस यही हमारा आंसर आ गया। अब तो इसको भी मैं दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ दोस्तों, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे हो सकता है, तो इसको वर्टिकल मेथड से भी बता देता हूँ। चलिए जल्दी से तुरंत हम अपना पहला लिखते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई, अब देखिए माइनस, पहले हम अपना क्वेश्चन जैसे दिया वैसे उतार लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज है, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, अब देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा टू वाई स्क्वायर, अब ये देखिए माइनस में है तो माइनस, अब प्लस सिक्स एक्स वाई। बस दोस्तों कुछ भी इसमें कठिन नहीं, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बस ध्यान से पढ़ते रहना, आपको सब कुछ एकदम आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दो से तीन दोस्तों को जरूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आप हमारे लिए इतना करिए कि आप कम से कम अपने तीन या चार दोस्तों को, ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं जो मैथ पढ़ने वाले हैं, दो हैं तीन हैं चार हैं,
उनको शेयर करिए। जितने भी आप ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो दोस्तों हमको जो है और भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे कि हाँ हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।